हेलो एवरीवन मैं डॉक्टर विजयपाल नैन आज आप लोगों के बीच जो है ना एक स्पेशल टॉपिक पे क्योंकि जो आज के दिन जो मार्केट में जो चल रहा है जो बच्चे जो है जैसे हम लोग हर रोज़ अभी जो देख रहे हैं एक टेक्निकल जो स्टूडेंट है उनका बड़ा शॉर्टेज है मार्केट में अभी ना कोई बच्चा पोलोटेक्निक वाला मिल रहा है किसी कंपनी को ना कोई बच्चा आई आई वाला मिल रहा है और मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल दूँ कि अगर कोई भी बच्चा कोई किसी ने पॉलिटेक्निक किया हुआ है या फिर आईटीआई की हुई है और अगर उसके पास जॉब नहीं है तो हमारे पास आए सेम डे उसको जॉब देके भेजेंगे हम यहाँ से इतनी डिमांड है और हमारे पास इतनी डिमांड आती है डे बाई डे तो मैं और बच्चों का इस तरफ शायद ध्यान नहीं है पता नहीं है बच्चों को मुझे लगता है इस चीज़ के रिगार्डिंग तो वो हम वहाँ तक कैसे पहुँचें वो सारा डिसीजन होता है क्लास टेन के बाद तो मैंने आज सोचा कि चलो मैं आज एक छोटा सा टॉपिक पे इस पर जो है ना बच्चों को और माँ बाप के लिए एक अवेयर भी हो जाए इस चीज़ को लेके तो मैं उसी तरफ आज मैंने कि हम क्लास टेन दसवीं क्लास के बाद बेटर ऑप्शन क्या क्या हो सकता है देखो इसमें अगर हम बात करें एलेवंथ क्लास में जैसे बच्चा एंटर करता है एवंथ क्लास में अगर नॉर्मली जो फ़ी स्ट्रक्चर होता है वो चालीस हज़ार रुपये से लेके और अस्सी हज़ार रुपये तक होता है एक साल का जो है ना एलेवंथ क्लास का जो बच्चे का जो खर्चा होता है और ट्वेल्थ क्लास का अगर हम ट्वेल्थ क्लास की अगर बात करें ट्वेल्थ क्लास का नॉर्मली पचास हज़ार रुपये से लेके और नब्बे हज़ार रुपये तक टोटल खर्चा होता है ट्वेल्थ क्लास का तो टोटल अगर हम देखें तो नब्बे हज़ार ट्वेल्थ क्लास और अस्सी हज़ार रुपये इलेवंथ क्लास टोटल इसमें देखें तो एक लाख सत्तर हज़ार रुपये दो साल का एलेवंथ और ट्वेल्थ का और एक लाख सत्तर हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने के बाद बच्चा कहाँ कहाँ स्टैंड करता है अगर वो बच्चा एक लाख सत्तर हज़ार इन्वेस्ट किए अगर उसको उस बच्चे पे नॉन मेडिकल लिया या मेडिकल लिया वो तो चलो मान लेते हैं वो एक बच्चे के नॉन मेडिकल पढ़ता है या मेडिकल पढ़ता है उसके बाद कई ऑप्शन उसके पास अच्छी आती हैं लेकिन यहाँ मेन कंसर्न किस पे है कि अगर जो बच्चा एलेवेंथ क्लास में या ट्वेल्थ क्लास में जो आर्ट और जो कॉमर्स जो पढ़ता है वो ह्यूमिटी कॉमर्स जो चीज़ जो पढ़ता है एलेवेंथ क्लास में उन बच्चों को उन बच्चों पे एक लाख सत्तर हज़ार रुपये लगने के बाद दो साल वो बच्चा कहाँ स्टैंड करता है आर्ट और कॉमर्स वाला कहीं स्टैंड नहीं करता है वो इतने पैसे लगाने के बाद भी और उसके पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है बिफोर कि तब तक वो डिप्लोमा या ना कर ले या फिर कोई बीटेक प्रोग्राम ना कर ले या फिर कोई ग्रेजुएशन ना कर ले इतने पैसे लगाने के बाद उसके पास एक लिमिटेड ऑप्शन होती हैं लेकिन जो एक नॉर्मल फैमिली होती है जो बिलो एवरेज एवरेज फैमिली या बिलो एवरेज फैमिली जो होती हैं उनको लगता है उनको उनको चाहिए कि बच्चे को फटाफट जॉब मिले और जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो तो जो जो माँ बाप थोड़े से जो गरीब फैमिलीज होती हैं उनको मतलब मेरी एक सलाह ये है कि वो अपने बच्चे को वो अपने बच्चे को आर्ट्स ना कराएं और कॉमर्स ना कराएं एलेवंथ और ट्वेल्थ क्लास में वो अपने बच्चे को टेंथ क्लास के बाद या तो प्रोफेशनल कोर्स या तो वो आईटीआई करवा दें आईटीआई का नॉर्मली फ़ीस क्या होता है पच्चीस हज़ार रुपये सालाना दो साल में वो पचास हज़ार रुपये में आईटीआई बच्चा करके आईटीआई में भी डिफरेंट्स फील्ड होती हैं बहुत सारी फील्ड होती है आईटीआई में भी इलेक्ट्रीशियन ड्राफ्टमैन सिविल ड्राफ्टमैन मैकेनिकल डीजल मैकेनिक्स बहुत सारी इसमें जो है ट्रेड्स होती हैं उनमें बच्चा अपना चूज़ करे पचास हज़ार लगाए दो साल में और वो क्या होता है सेमी स्किल्ड हो जाता है एक सेमी स्किल्ड हो जाता है सेमी स्किल्ड होने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट एक बच्चे पे पचास हज़ार रुपये लगाए पचास हज़ार रुपये लगाने के बाद वो उसके पास चॉइस कहाँ कहाँ बहुत सारी चॉइस हैं उसके पास बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर हैं गवर्नमेंट सेक्टर बहुत सारे हैं अगर बच्चे आई होल्डर को जो जो जॉब जो, जो अप्लाई कर सकता है उसमें बहुत सारे जूनियर इंजीनियर जो लगते हैं जो जूनियर इंजीनियर से जो नीचे जो फोरमैन जो लगते हैं सॉरी जूनियर इंजीनियर तो लगते हैं पॉलिटेक्निक वाले बच्चे डिप्लोमा वाले लेकिन जो फोरमैन होते हैं जो वो आई वाले लगते हैं जैसे इंडियन रेलवे है इंडियन रेलवे में मकैनिकल वाले बच्चों का इलेक्ट्रीसियन वाले बच्चों का ड्राफ्टमैन से और डीजल मकैनिक्स वाले बच्चों का बहुत सारी वैकेंसियाँ जो हैं वो इंडियन रेलवे में उसके बाद डीआरडीओ है जो डिफेंस वगैरह की टाइप सर्विस है मिलिट्री है आर्मी है या फिर एयरफोर्स है इनमें भी आईटीआई वाले बच्चों की स्पेशल अलग से डिमांड होती है और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो फोरमैंस वगैरह होते हैं वो सारे आई टी होते हैं तो ये बच्चा एक पचास हज़ार लगा के जल्दी से अपने पैरों में खड़ा हो जाता है और कमाने लग जाता है और ये बिल्कुल जॉब ओरिएंटेड कोर्स है और जो पेरेंट्स थोड़ा सा और हल्के से थोड़े से आप वो बच्चे को टेंथ के बाद आई हो सकती है आई में ना जाना चाहें तो आई से थोड़ा सा आप जो जिसे हम कहेंगे जूनियर इंजीनियर जो होते हैं जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट पे जो जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जूनियर इंजीनियर जो लगते हैं वहाँ वो कौन सा आईटीआई के बाद थ्री ईयर डिप्लोमा जिसे हम पॉलिटेक्निक भी बोल देते हैं पॉलिटेक्निक में इसमें भी बहुत सारी बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं ये थ्री ईयर का बेसिकली प्रोग्राम होता है लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स मकैनिकल सिविल ऑटोमोबाइल और बहुत सारी मतलब इसमें और आजकल तो जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और लेटेस्ट कंप्यूटर साइंस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ए आई जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग हाईली डिमांडेबल है तो दसवीं के बाद बच्चे बच्चा जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजीनियर कैसे बने वो आप बच्चे को डिप्लोमा कराएं कंप्यूटर साइंस में ए आई में तो वैसे ये डिप्लोमा ए आई बहुत कम जगह मिलेगा जिसकी जो हाईली डिमांडेबल कोर्स है ये जहाँ आप आप इसको सर्च कर सकते हैं और ये हमारे पास भी है और आईटीआई के बाद भी एक बच्चे ने आईटीआई कर लिया आईटीआई के बाद भी वो बच्चा डिप्लोमा कर सकता है उसके लिए ये टू ईयर का प्रोग्राम हो जाता है वो बच्चा जो आईटीआई करने के बाद डिप्लोमा करना चाहे तो वो एंट्री में आ सकता है डायरेक्ट सेकंड ईयर में उसका एक साल बच जाता है फर्स्ट ईयर का उसको सेकंड ईयर और थर्ड ईयर करना होता है उसको एक डिप्लोमा मिल जाता है वो जूनियर इंजीनियर के लिए भी के लिए भी अप्लाई कर सकता है तो ये एक मतलब बहुत बढ़िया कैरियर ऑप्शन होती है बहुत बढ़िया कैरियर ऑप्शन वहाँ अगर यहाँ अगर टाइम टेबल देखें यहाँ बच्चा दो साल में तीन साल में अपने पैरों पर पे खड़ा हो जाता है और ये आज के दिन मार्केट में मतलब हाईली डिमांडेबल और ये बच्चा तो अवेलेबल भी नहीं है मिलता भी नहीं है और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई भी किसी मोहल्ले में अगर कोई रहता है किसी से पूछें किसी के बच्चे ने पॉलिटेक्निक किया हुआ है पॉलिटेक्निक करने के बाद वो क्या कर रहा है अगर किसी से पूछें कि किसी बच्चे ने बीए कर रखी है वो क्या कर रहा है किसी बच्चे ने बीकॉम कर रखी है वो क्या कर रखा है तो आप उसमें डिफरेंस महसूस अपने आप कर लेंगे और ये एक मतलब जो है ना कैरियर ऑप्शन तो हम चाहेंगे कि अगर ये वीडियो आपको लगे कि आपके लिए एक मतलब यूजफुल है तो इसको आप मैक्म मैक्सिमम लोगों में इसको शेयर करें सभी लोगों तक इसको पहुंचाएं तो ए, क्योंकि इसके बारे में अक्सर किसी भी स्कूल में टेंथ क्लास के बाद आईटीआई के बारे में और पॉलीटेक्निक के बारे में बहुत कम अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ एलेवंथ और ट्वेल्थ की बात करते हैं इलेवंथ में भी बच्चे को कॉमर्स दिलवानी है आर्ट्स दिलवानी है ये दिलवाना है वो दिलवाना है तो वो एक कैरियर ऑप्शन अच्छा सा मतलब जो है ये हो सकता है खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे एलेवंथ क्लास में साइंस मींस नॉन मेडिकल और मेडिकल नहीं पढ़ सकते मुझे लगता है उन बच्चों के लिए ये बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकता है तो इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं और हम चाहेंगे कि ये मैक्सिमम लोगों तक तो आप इस वीडियो को शेयर करें थैंक यू थैंक यू टू ऑल